बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है वो हम चैप्टर पे चले गए जिस पे कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो होता है ना, राइट पीपल रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन यानी अपॉइंटमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। कि देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को राइट पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजिशन, अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम ही ये होता है कि राइट पर्सन विद राइट स्किल विल बी हायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जब हम बात करते होते हैं ना, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में जो है ना, वो थ्री मतलब जो है ना, थ्री स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये होता है कि जिसे कहते हैं ना डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना कि हमें चाहिए क्या। इस डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट में मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो परफॉर्म होते हैं जॉब एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टेड जॉब। ये ऑन गोइंग बेसिस पे होता है। इवन आपके पास पर्सन हायर्ड भी है, फिर भी पर्सोनल डिपार्टमेंट जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जॉब एनालिसिस करते जाना है। ठीक, जॉब एनालिसिस के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, यानी डिस्क्राइब द जॉब जिसे कहते हैं। ठीक, यानी डिस्क्राइब द स्किल विच रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। फिर पर्सन स्पेसिफिकेशन होती है, हु कैन परफॉर्म द जॉब, कि कौन सा पर्सन है कि जो उस जॉब को जो है वो परफॉर्म कर सकता है। दीज आर पार्ट ऑफ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब। आफ्टर दैट अट्रैक्टिंग एप्लीकेंट। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन जब होता है, आपको स्पेशली बड़ा स्किल्ड पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड होता है या हाई पोजीशन पर्सन रिक्वायर्ड होता है, फिर एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करना भी एक इशू होता है। कि ये नहीं होता कि आपको जो है रिक्वायर्ड पर्सन विद राइट स्किल जो है वो फौरी तौर पर मिल जाए, तो वहां पे अट्रैक्ट करने के लिए उसको, अट्रैक्टिंग एप्लीकेंट्स को, उसके लिए आप फिर एडवर्टीजमेंट मीडिया वगैरह जो है वो यूज करते हैं। वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट मीडिया के थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि ताकि वो जॉब पे अप्लाई करें। और फिर आफ्टर ऑल सिलेक्टिंग अ पर्सन, यानी चूजिंग फ्रॉम अवेलेबल कैंडिडेट, के जो भी कैंडिडेट आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर अप्लाई करते हैं उसमें से चूज करते हैं। अब मेन चीज होती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट जो होती है ना और सिलेक्शन, पहले रिक्रूटमेंट तो जस्ट अट्रैक्ट द या जस्ट गेट द जॉब एप्लीकेशन फ्रॉम पोटेंशियल एम्प्लॉय, कि जो भी एम्प्लॉय हो सकते हैं उनसे एप्लीकेशन तक लेना जो है वो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कि अट्रैक्ट करना कि वो जॉब पे अप्लाई करे। फिर वो ये कि जब वो जॉब पे अप्लाई करते हैं तो फर्दर स्क्रीनिंग एंड चूजिंग फ्रॉम अवेलेबल कैंडिडेट, कि जो भी कैंडिडेट अवेलेबल है उसमें से स्क्रीन और चूज करना जो है उसे सिलेक्शन कहते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया ना डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट एंड अट्रैक्टिंग अप्लाई एप्लीकेंट, ये डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट एंड अट्रैक्टिंग एप्लीकेंट जो है ये पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है, जबकि सिलेक्शन जो है वो सेपरेट होता है। जहां पे रिक्रूटमेंट एंड होती है वहां पे सिलेक्शन स्टार्ट होती है। और याद रखिए, कई मरतबा हमारे लिए रिक्रूटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और कई मरतबा हमारे लिए सिलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। लेट से आप ऐसी सिचुएशन में चले जाए जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम है, मार्केट में एप्लीकेंट कम है, तो वहां पे रिक्रूटमेंट अट्रैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें, फोर्स करें, लोगों को इतना अट्रैक्ट करें कि वो पॉजिटिवली फोर्स मतलब करें कि वो आपकी मतलब बिजनेस में अप्लाई करें, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है। लेकिन जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हाई होती है वहां पे रिक्रूटमेंट का तो इशू ही नहीं, एप्लीकेंट तो बहुत मिल जाएंगे जैसे पाकिस्तान में। लेकिन वहां पे मेन चीज होती है सिलेक्शन, कि वहां पे केयरफुल सिलेक्शन जो है वो ज्यादा मैटर करती है। तो हर चीज की अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट है कि आप रिक्रूटमेंट करते हैं, आप सिलेक्शन करते हैं। रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, कई कंपनीज ऐसा ऐसा करती हैं कि वो अपना एचआर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं करती, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसे पर्सोनल डिपार्टमेंट भी कहते हैं, उसके बजाय वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर करती।
फिर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट का काम ही जॉब के एनालिसिस करना भी फिर उन्हीं के काम होते हैं। टेक जॉब रिक्वायरमेंट को जो है ड्रा करना भी उनका काम होता है, जॉब डिजाइन करना कि उसमें कौन कौन सी है, एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना, उसको पब्लिश करना। जब इम्प्लाई पोटेंशियल इम्प्लाई अप्लाई करे उन्हें स्क्रीन करना, फर्स्ट इंटरव्यू करना, और फिर उसकी लिस्ट विद रिकमेंडेशन जो है वो आपको प्रोवाइड है कर देना, यानी इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद। यानी इसका मतलब वो एचआर का काम तकरीबन सारा का सारा कर देते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी कितनी कॉन्शियस है। अगर आपके पास अपने एक्सपर्ट पर्सन अवेलेबल है, अगर आपका अपना बिजनेस जो है वो हाईली मतलब जो है एस्टेब्लिश बिजनेस है, आपका प्रॉपर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो फिर तो जाहिर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज की जरूरत नहीं पड़ती, कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके लोग वीक हैं तो फिर डेफिनेटली आपको रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एम्प्लॉय को रिक्रूट करना भी एक स्पेशलाइजेशन होती है। ऐसे नहीं होता कि जो भी अप्लाई करेगा आप उठा के जो है उसको सिलेक्ट कर लो। फिर ये कि जॉब एनालिसिस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब होता है। मैंने कहा ना ये ऑन गोइंग बेस पे होता है, ये नहीं होता कि जॉब एनालिसिस किसी स्पेसिफिक टाइम पे अप्लाई होते हैं। ये कि आपके पास वेदर पर्सन इज हायर्ड आर नॉट हायर्ड, पोजीशन इज वेकेंट आर नॉट वेकेंट, आप जॉब एनालिसिस डे टू डे बेसिस पे करते रहते हैं। इस जॉब एनालिसिस के ही थ्रू आपको जॉब जो है वो डिस्क्रिप्शन पता चलती है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या था, विच टास्क नीड टू बी परफॉर्म बाई जॉब होल्डर, कि कौन से जॉब होल्डर ने उस टास्क जो है वहां पे मतलब परफॉर्म करने हैं, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। और जॉब स्पेसिफिकेशन के रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म दिस जॉब, कि इस जॉब को करने के लिए ये जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है इसको परफॉर्म करने के लिए किस स्किल का पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है, इसे जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अमूमन जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन ये कंबाइन एक ही लफ्ज होता है, कि जहां पे टास्क को डिफाइन करना कि कौन से विच टास्क विल बी परफॉर्म एंड विच विच स्किल इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज टास्क, दीज आर बोथ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। आफ्टर जॉब डिस्क्रिप्शन यू नीड टू डिटरमिन द पर्सन स्पेसिफिकेशन, व्हाट क्वालिटी शुड बी इन अ पर्सन हु इज प्रॉपर कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दीज ड्यूटी, कि कुछ किस तरह के करेक्टरिस्टिक्स का पर्सन जो है इस ड्यूटी को परफॉर्म कर लेगा, ये पर्सन स्पेसिफिकेशंस होते हैं। फिर ये कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो जॉब एनालिसिस में आप देखते हैं, कि जॉब एनालिसिस में आप देखते हैं पर्पस ऑफ जॉब क्या है। जैसे purpose of job related with the context is to prepare the financial statement to help out in the preparation of financial statement preparation process, ki purpose of main purpose of job, aur content of job ka matlab hota hai detail of job, ki wo financial statement ki jo preparation hai usme kya karega, financial statement ki preparation mein for example person is matlab responsible टू प्रिपेयर द रिसीवेबल कंट्रोल एंड सेल अकाउंट, यानी कि बस सिर्फ ये करेगा इसका डेटा प्रोवाइड करेगा रिलेटेड विद द रिसीवेबल एंड सेल, इट इज कंटेंट ऑफ जॉब। डिटेल ऑफ जॉब जो है मेन पर्पस और उसके फर्दर डिटेल को कंटेंट देखते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी फॉर विच वर्क ही इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी होती जवाबदेह, कि आप जो वर्क परफॉर्म करते हैं उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए आप जो है अकाउंटेबल है कि नहीं है। इस तरह परफॉर्मेंस क्राइटेरिया शुड बी डिफाइंड बिफोर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन, बिकॉज हिज दैट पर्सन परफॉर्मेंस शुड बी अप्रेज अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि वो जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसके मुताबिक उस पर्सन की परफॉर्मेंस को जो है डे टू डे बेसिस पे आप मॉनिटर करेंगे, अप्रेज करेंगे कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारे के सारे जॉब एनालिसिस होते हैं। अब कॉम्पिटेंसीज, अब देखें एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं, कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी कह लें या पर्सन आर एबिलिटीज, कैपेसिटी एंड एबिलिटीज ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंसीज। दो तरह की कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती है, एक बिहेवियर कॉम्पिटेंसी होती है और एक वर्क बेस्ड कॉम्पिटेंसी होती है। अब देखिए
फॉर एग्जाम्पल योर बिहेवियर कॉम्पिटेंसी का तल्लक जो होता है ये एनवायरमेंट से होता है. फॉर एग्जाम्पल हु एनी कैंडिडेट कैन बी कैन कम्युनिकेट, हु ही विल बी मोटिवेट, हु ही विल लीड द पर्सन, हु ही विल कोऑर्डिनेट विद अदर पर्सन, यानी ये पर्सनल रिलेशन के बारे में. क्योंकि जॉब जो होती है ये सिंगल मतलब पर्सन की बेस पे नहीं होती, ये टीम वर्क होता है. नंबर ऑफ पर्सन ने आपस में कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना है, उन्होंने कंबाइनली किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. तो बिहेवियर स्टडी उस पर्सन की जो आपको डेफिनेटली स्टार्ट जरूरी होती है. और कई पर्सन वैसे भी उनका बिहेवियर फॉर जॉब नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है इंडिपेंडेंट, खुद आने जाना, वो जब मर्जी आए जब मर्जी चला जाए उठ के, उसकी नेचर ऐसी है वो किसी की बात नहीं सुन सकता. तो इट मीन्स ही हैज नॉट बिहेवियर लाइक टू मतलब दैट बिहेवियर टू परफॉर्म द वर्क. तो बिहेवियर पर्सनल कॉम्पिटेंसी भी देखी जाती है, पर्सनल कॉम्पिटेंसी पहले देखी जाती है, सबसे पहले देखा ही जाता है. ये जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ये बिहेवियर कॉम्पिटेंसी देखने के लिए होता है. इसके बाद ये स्क्रीन आउट करके पर्सन जो है ये लाइन मैनेजर के पास चला जाता है. जो मॉडर्न ट्रेंड है ना जॉब रिक्रूटमेंट का, वो लाइन मैनेजर यानी इमीडिएट बॉस जो है वो सिलेक्ट करता है पर्सन. जैसे ये असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड है तो मैनेजर उसका जो मैनेजर है वो लाइन मैनेजर है. मैनेजर जो है वो उसकी सिलेक्शन करता है. वो वर्क बेस्ड कॉम्पिटेंसीज देखता है. वर्क बेस्ड कॉम्पिटेंसीज जो वर्क रिलेटेड है, कि जैसे जो वर्क से रिलेटेड है वो पर्सन एसीसी क्वालिफाई है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता है कि नहीं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकता है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसके कितने पेपर पास है, ये टेक्निकल नॉलेज जो होता है ये वर्क बेस्ड कॉम्पिटेंसी होती है. फिर जेनेरिक कॉम्पिटेंसी भी होती है. जेनेरिक कॉम्पिटेंसी हर काम में रिक्वायर्ड होती है. ये कोई भी पर्सन है उसमें तो जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज तो होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जेनेरिक उसको मतलब जो उसकी रेगुलरिटी, उसकी पंक्चुअलिटी, उस पर्सन का मतलब जो है बात करने का स्टाइल, ये जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज होती है. उसका फिजिकल मेकअप क्या है, कि किस तरह का है, जेनेरिक कॉम्पिटेंसी होती है. तो जॉब के एनालिसिस करने के बाद जॉब डिजाइन किया जाता है. जॉब डिजाइन के अपने काम होते हैं. जॉब की डिजाइन में जॉब की स्पेशलाइजेशन, अब देखे ना एक पर्सन ने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं. हाउ मेनी टास्क आर कंटेन्ड इन अ जॉब, ये कितने एक मतलब देखो ना एक पर्सन को अगर आप कहेंगे आपने अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं और मार्केटिंग भी किया करनी है. एक पर्सन को कहते हैं अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने, कोई पर्सन आया तो टेलीफोन भी आपने सुना करना है. तो फिर वो एक हाउ मेनी टास्क शुड बी परफॉर्म इन अ जॉब, ये डिपेंड करता होता है. कईयों का जॉब स्पेशलाइजेशन जो है यानी कि अगर नैरो टास्क होंगे तो स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगी, अगर वाइड टास्क होंगे तो स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगी, कि कितने जॉब करने हैं. और फिर ये कि उसका कंट्रोल ओवर द वर्क क्या है, क्योंकि कंट्रोल के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी होती है. अगर आपका वर्क कंट्रोल ज्यादा है, अथॉरिटी आपके पास ज्यादा है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा. अगर आपकी अथॉरिटी कम है आपकी अकाउंटेबिलिटी भी कम है. तो रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर भी देखने पड़ते हैं, उसमें ट्रेनिंग ऑफ स्किल भी देखनी पड़ती है, कि उसको सारा इंट्रोड्यूस कराना ना आया, को उसको ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज उसके एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना आएगा कि नहीं आएगा, ये जॉब कॉम्पिटेंसीज के हिस्से हैं. फिर जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है. डिस्क्राइब द जॉब, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ जॉब, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ जॉब, जॉब डिस्क्राइब द टास्क परफॉर्म इन जॉब. तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है ये भी कंपलसरी पार्ट होता है. इसमें इसके पर्पस होता है ना कि हजार हर काम का ऑर्गेनाइजेशन पर्पस भी है, ठीक. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पर्पस ये है कि हमें देखना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उस पर्सन ने कहाँ पे फिट आना. अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो इसका मतलब मैनेजर से वो नीचे है, सुपरवाइजर से वो ऊपर है, किससे वो कम्युनिकेट करना है, निचले वालों से ऊपर वाले की चेन क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उसकी प्लेस जो है वो देखी जाती है. फिर रिक्रूटमेंट, क्योंकि जॉब जब तक डिस्क्राइब नहीं होगी कि कौन कौन से टास्क एक पर्सन ने परफॉर्म करने हैं, तो रिक्रूटमेंट कैसे हो जाएगी. फिर इसका पर्पस लीगल भी होता है. लीगल पर्पस का मतलब होता है जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्रा होता है तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी जाती है कि ये रोल उसने प्ले करना है, और उसकी परफॉर्मेंस भी उन्हीं के हिसाब से जो है वो देखी जाती है. अब कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे जॉब टाइटल,
असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है, क्लैरिकल है, सुपरवाइजर है, टाइटल क्या है जॉब का, रिपोर्टिंग टू वो किसे है, रिपोर्टिंग टू जहाँ वो सीनियर मैनेजर को है, किस लेवल पे उस लेवल, असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर को रिपोर्ट टू होगा, क्योंकि हर पर्सन का रिपोर्ट टू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो रिपोर्ट किसको करेगा, सब ऑर्डिनेट्स जिसे वो डायरेक्टली सुपरवाइज करेगा, डायरेक्टली सुपरवाइज। लेकिन आप किसी को रिपोर्ट करते और किसी को आप सुपरवाइज करते जो आपके सब ऑर्डिनेट होते हैं, यही आपकी आपकी जो है वो चेन ऑफ वो क्या कहते होते हैं, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होती है। ओवरऑल पर्पस ऑफ जॉब के ओवरऑल उसका कंप्लीट पर्पस क्या है, जैसे अकाउंटेंसी क्या है और प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटीज आर मेन टास्क के, उस ओवरऑल जॉब में उससे कौन कौन से टास्क करने हैं, उसमें मेन एक्टिविटीज जो है वो कौन सी है, ये सारे की सारी बातें जो है ना ये जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिफाइन होती है। कई जगह जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, कई जगह रोल डेफिनेशन होती है, रोल डिफाइन होता है। रोल इज ऑलवेज मोर देन जॉब। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी कहती है कि आपने एज अ चीफ अकाउंटेंट ऑपरेट करना, अब वो ये नहीं बताती कि आपको डिटेल ऑफ टास्क नहीं बताती कि आपने कौन कौन सा काम करना, लेकिन बीइंग अ चीफ अकाउंटेंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे, वेदर इट इज रिलेटेड विद द इंटरनल मैटर, वेदर इट इज रिलेटेड विद द एक्सटर्नल मैटर, यू हैव टू परफॉर्म दीज, दोज आर रूल्स। तो रोल जो होता है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब दिया जाता है, डिटेल ऑफ जॉब नहीं दी जाती, जब जॉब जबकि जॉब में डिटेल ऑफ जॉब बताई जाती है। कई जगह रोल पे पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं तो जॉब के लिए नहीं, ये स्पेसिफिकली बताया जाता है कि कौन कौन सा काम करना, ओवरऑल बताया जाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने फिर उसे किस तरह करना है ये आपने डिपेंड करता है। फिर पर्सन स्पेसिफिकेशन, द क्वालिटी ऑफ पर्सन हु कैन परफॉर्म जॉब, ये पर्सन स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ पर्सन हर काम नहीं कर सकता, उसमें पर्सन की जाहिर स्किल भी देखनी होती है, पर्सन की मोटिवेशन भी देखनी, उसकी क्वालिफिकेशन भी देखनी। अब देखो ना, एक पर्सन जो है वो एसीसीए, आप उससे मार्केटिंग कराएंगे, इट्स नॉट सुटेबल वर्क फॉर एसीसीए पर्सन बिकॉज ही इज नॉट प्रॉपरली एजुकेट अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग एनवायरमेंट। तो उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी इनेट एबिलिटी, इंटरनल एबिलिटीज क्या है, तो यहाँ पे रॉजर 7 पॉइंट प्लान है, ये रट्टा लगाना पड़ना, 7 प्लान में रॉजर में कौन कौन सी चीज आती है। इसका फिजिकल मेकअप पर्सन भी आता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मतलब हेल्थ कंडीशन क्या है, उसकी अपेयरेंस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपेयरेंस, अपेयरेंस ऑफ पर्सन कैसी है। आपने देखा होगा अक्सर पर्सन को, जो मैं मुझे देख लूंगा ना, मैं ड्रेस पहनने नहीं आता, हमारे जैसे बंदे ने सोए पड़े उठ के जो है वो लेक्चर डिलीवर करने शुरू कर देने, अपेयरेंस ही बड़ी माठी होती है। Appearance of person does matter in job, especially for managerial job. Appearance of person is most important to perform the managerial position. देखें ये appearance, देखें एक person है, ये मैं आपको मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। अगर उसकी appearance उसका नहीं ठीक, एक person है वो मतलब उसकी height 4 फुट की है, तो उसको managerial position पे जाने के लिए बड़ी difficulty होती है, क्योंकि तो वो control नहीं कर सकता, निचले में लोग उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो फिजिकल मेकअप ऑफ पर्सन भी मैटर करता है, उसकी अटेनमेंट, अटेनमेंट उसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होती है कि अटेन क्या किया, एसी से क्वालिफाई किया, एक्सपीरियंस क्या, 3 ईयर ऑडिट फॉर्म में लगाएंगे, अटेनमेंट है। जनरल इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन, जनरल आईक्यू, आईक्यू जो होता है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, आईक्यू जो है वो उसका रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कितना आउटस्पोकन है, कितना मतलब रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है कि नहीं होता है, ये जनरल आईक्यू होता है कि लोग बड़ा सोचने में टाइम लेते हैं, कि फौरी तौर पर रिस्पॉन्स कर जाते हैं। स्पेशल एप्टीट्यूड ऑफ पर्सन के उसका मतलब जो है वो शार्पनेस किस में है, कई लोग न्यूमेरिकली बड़े होते हैं, फिट होते हैं, कई लोग थ्रेटिकली बड़े फिट होते हैं, मतलब हर पर्सन का स्पेशल एप्टीट्यूड। और इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, ठीक, अगर इंटरेस्ट, कई लोगों का इंटरेस्ट वर्क रिलेटेड होते हैं, कई लोगों का इंटरेस्ट पीपल रिलेटेड होते हैं, कि लोगों में खुश होते हैं, कई लोग काम करके खुश होते हैं। डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन, ये पर्सनल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन होती है, जैसे काम है, इंडिपेंडेंट है, उसका मूड कैसा है, यानी अब देखो ना मूड, मतलब अगर एक पर्सन जो है वो मूडी ना हो, वो मूड कूल मूड में जो है वो काम करने वाला हो, तो इस पर्सन को प्रायोरिटी दी जाती है, कि जो मतलब ना बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए, ना बहुत ज्यादा लूज हो जाए। तो ये कि सरकमस्टेंस का पर्सन क्या है,
जैसे उसकी रेजिडेंस कितने के दूर है जॉब से, क्योंकि जिसकी दूर होगी, ज्यादा दूर होगी, जो जॉब छोड़ जाएगा जल्दी, उसके पास अपनी गाड़ी है आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग का उसका सिस्टम क्या है, ये फिजिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट पर्सन होते हैं। तो रिक्रूट और प्रमोट का एक डिसीजन होता है, रिक्रूटेड प्रमोट का तल्लक इस बात से होता है कि हम पर्सन को जो है एक्सटर्नल मार्केट से रिक्रूट करें, अट्रैक्ट करके जॉब अप्लाई कराएं, या उसे एग्जिस्टेड अपने ही किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करें। ये डिपेंड करता है, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ करंट स्टाफ है तो फिर तो आप उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उस क्वालिटी का पर्सन आपके करंट स्टाफ में अवेलेबल है, अवेलेबल है ओपन मार्केट बाहर अवेलेबल है, तो आप बाहर से फिर पर्सन रिक्रूट कर लेते हैं, फिर आप प्रमोट करने के सीन में नहीं जाते। ये डिपेंड करता है ना, अगर आप अपने एम्प्लाईज को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो आप उसको प्रमोट कर लेते हैं, अगर आप अपने एम्प्लाईज की मोटिवेशन का ऐसा केयर नहीं करते तो आप रिक्रूट कर लेते। इस तरह ये भी होता है कि वो जो रिक्रूटमेंट है उसमें एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन डिसीजन भी बड़ा मैटर कर रहा होता है, क्योंकि जो पर्सन आपसे आपके पास पहले से एम्प्लॉय है, जो पहले से आपके पास जॉब कर, उसके बारे में उसका नॉलेज आपको है, उसका आपको एक्सपीरियंस है, उसकी बातें आपको पता है, तो आप उसको जो है वो प्रमोट करते फौरी तौर पे, आइडिया आपकी जजमेंट बेटर होगी, लेकिन बाहर से जो आया होगा उसके रिलेटेड आपकी जजमेंट ऐसा चीज जो है बेटर नहीं होगी। फिर एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज, आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन और पर्सन स्पेसिफिकेशन, ये दोनों चीजों का कंबिनेशन जो होता है ना, आप कभी न्यूज़पेपर में जॉब पढ़ना, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी होती है और इवन पर्सन स्पेसिफिकेशन भी प्रिंट हुई होती है बड़ी बड़ी जॉब्स पे। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के थ्रू भी कर सकते हैं, खुद भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन जो आप एडवर्टाइज करते हैं आपकी एडवर्टीजमेंट कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब होता है कि वो डिटेल हो बट कंप्रिहेंसिव हो, डिटेल हो टू द पॉइंट हो, ये नहीं हो ओवरलोडेड एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं ओवरलोडेड एडवर्टीजमेंट, क्या पूरा न्यूज़पेपर खरीद लोगे एक जॉब को एडवर्टाइज करने के लिए। तो ये कि कंसाइज सी एडवर्टीजमेंट हो, अट्रैक्टिव हो, कि उसे देख के लोग अप्लाई करना शुरू करें। आप संडे का न्यूज़पेपर ले लें, उसको खोल के अंदर जॉब वाले देखे पेपर पे, एक दो जॉब पे आपकी ठक नजर जाएगी, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव होंगी दूर से पेपर पे, प्रिंटिंग में इतनी होंगी, आप फौरन उसको रीड कर लें, और कई जॉब आपकी नजर में आएंगी भी नहीं क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रही होंगी। फिर ये कि पॉजिटिव और ऑनेस्ट हो, कि एडवर्टीजमेंट में जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव है, वो आपका पॉजिटिव बिल्डिंग आपकी दे रही है, वो ऑनेस्ट है इंफॉर्मेशन। अब जितना पे स्केल कह रहे हो या जो आप उसको मतलब जो है वो फैसिलिटीज कह रहे हैं आप प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे, और रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑफ पर्सन हो, क्योंकि जितना रेलिवेंट होगा उतना ही रेलिवेंट पर्सन अप्लाई करेगा। अगर इरेलीवेंट जॉब आपने जनरल आइडिया के बेस पे पब्लिश कर दी है ना, तो रेलिवेंट पर्सन आपके लिए हायर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट मीडिया आप कोई भी यूज कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट मीडिया डिपेंड करता होता है कि आपका लेबर मार्केट कौन सी है, कहाँ से पर्सन भर्ती करना है। अगर आपको जूनियर स्टाफ को चाहिए, आप लोकल मार्केट पे फोकस होते हैं तो लोकल न्यूज़पेपर, अगर हाई सीनियर मैनेजर आपको चाहिए तो वो ज़्यादा लोकल एनवायरनमेंट पता नहीं अवेलेबल होता कि नहीं, फिर नेशनल न्यूज़पेपर चलते होते हैं। जिस लेवल की जॉब हो उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट मीडिया जो है वो यूज करते होते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट मीडिया में उसकी कास्ट भी देखते होते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी मरतबा जॉब का एड देना पड़ना ये भी देखते होते हैं, कास्ट भी देखते होते हैं, उसके रीडरशिप भी देखते होते हैं, कितने लोगों में ये सर्कुलेट होगी ताकि आपको मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सके। तो ये इन हाउस मैगजीन भी कई कंपनियों के होते हैं, ये इन हाउस मैगजीन मल्टीनेशनल कंपनीज के होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज ने अपने मैगजीन किधर से प्रिंट करना है, अगर प्रमोट करना हो पर्सन तो देन इन हाउस मैगजीन में, और यहाँ आपको लगता है कि इन लोगों से रिलेटेड कोई पर्सन अवेलेबल होगा तो देन आप इन हाउस मैगजीन यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के मैगजीन वगैरह आप यूज कर सकते हैं, नेशनल न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं हाई पोजीशंस के लिए, और लोकल न्यूज़पेपर लोकल लो पोजीशंस के लिए, लोकल रेडियो टेलीविजन सिनेमा, ये उस वक्त जब आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे लेबर चाहिए, तो फिर इस तरह का लोकल रेडियो टेलीविजन वगैरह होते हैं। फिर जॉब सेंटर होते हैं अनस्किल्ड वर्कर की रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब सेंटर से आप कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, वो आपको अप्लाई करते हैं, ये बैठे हैं रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के नाम से स्कूल यूनिवर्सिटीज में, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके उनके नोटिस बोर्ड पे या वहाँ पर जॉब फेयर करके
लगा के वहां से भी कर सकते हैं, इंटरनेट को भी यूज करके आप वैकेंसीज को अनाउंस कर सकते हैं। इंटरनेट की क्वालिटी ये होती है, इसकी सर्कुलेशन ज्यादा होती है और कास्ट कम होती है। कि आपने एडवर्टीजमेंट मीडिया कोई भी चूज करना है, आपने अपनी कास्ट को देख के, टारगेट मार्केट को देख के चूज कर लेना। जब आप मतलब एडवर्टाइज कर देंगे, एप्लीकेंट आएंगे, एप्लीकेंट आएंगे तो अब आपका सिलेक्शन मेथड आ जाता है कि आप किस तरह सिलेक्ट करते हैं। कई लोग इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू इंडिविजुअल भी होते हैं, पैनल इंटरव्यू भी होते हैं, 2 या 3 पर्सन है, और इंटरव्यू बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड भी होता है कि 6 से 10 10 लोग बैठ के इंटरव्यू करते हैं, और स्टेप इंटरव्यू भी होते हैं। एक पर्सन ने पहले इंटरव्यू लिया सिंगल, उसने फिर अगले को रेफर किया, उसने इंडिविजुअल इंटरव्यू लिया, कई तरह इंटरव्यू होते हैं। हाँ, ये जो होती है जूनियर पोजीशंस, उसके लिए आम एक सिंगल इंटरव्यू काफी होता है। जितनी पोस्ट ज्यादा सेंसिटिव होगी उसके लिए बोर्ड इंटरव्यू, मतलब डिपेंड करता है फिर नंबर ऑफ पर्सन आपके इंटरव्यू लेंगे, सिंगल पर्सन आपका इंटरव्यू नहीं लेगा। सिलेक्शन टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट टेस्ट कई तरह के होते हैं। वैसे टेस्ट इस तरह भी कई लोग टेस्ट प्लस इंटरव्यू करते हैं कि पहले टेस्ट लेते हैं, उसके थ्रू कुछ लोगों को स्क्रीन करते हैं, फिर उन पर्सन में से इंटरव्यू लिए जाते हैं, इस तरह भी चलता है। और डायरेक्ट टेस्ट की बेस पे भी क्वालिफाई जो टेस्ट को करते हैं उन लोगों को भी रिक्रूट किया जा सकता है। उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकते हैं, एप्टीट्यूड आपका देखने के लिए, रुझान, उसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी प्रोफिशंसी टेस्ट, आपका मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है, रेफरेंस चेकिंग भी होती है। क्योंकि रेफरेंस जो वो पर्सन होता है जो आपको पहले से जानता है और जिसने आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपके साथ काम किया, वो आपकी बेटर डिटेल को जानता है, वो कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, वो कोई सिफारिश नहीं कर रहा था, आप उसका नाम देते हैं तो रेफरेंस से जो है आपके बारे में, क्योंकि आपने उसके साथ वर्क परफॉर्म किया तो आपके बारे में ओपिनियन ले ली जाती है। वर्क सैम्पलिंग आपसे काम करा के भी देखा जाता है। कई मरतबा देखे ना, आपको टाइपिस्ट की जॉब चाहिए तो वो आपसे टाइप करवा के देख लें, तो ये सब वर्क सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें होती। अब ये इंटरव्यू जो होते हैं ना, इंटरव्यू के अपने प्रॉब्लम भी होते हैं। जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है, पहले मैं बताऊं, इस इंटरव्यू में ओपन क्वेश्चन भी होते हैं। ओपन क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को कहते हैं जो वाई, वेयर, मतलब व्हाट, मतलब जो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फिर आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपके पास ओपन फील्ड है। आप ये भी कह सकते हैं ड्यू टू द रेपुटेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, या ये भी कह सकते हैं बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन इज नियर टू माई हाउस, मतलब व्हाट एवर यू हैव अथॉरिटी टू से समथिंग। तो ओपन क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं, और प्रोबिंग क्वेश्चन जो होते हैं ये सेकेंड क्वेश्चन होता है फॉर द डिटेल ऑफ फॉर द गेटिंग ऑफ मोर डिटेल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर ऑर्गेनाइजेशन, उसके आगे आप मुझे कहते हैं बिकॉज यू आर योर ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली रेप्यूटेड, मैं कहता हूँ व्हाई यू फील आर ऑर्गेनाइजेशन इज आवर ऑर्गेनाइजेशन इज सो रेप्यूटेड। तो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले की डिटेल डिमांड करने के लिए जो किया, इसे प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं। फिर प्रोबिंग क्वेश्चन के अलावा क्लोज क्वेश्चन भी होते हैं। क्लोज क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द यस और नो पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ भी कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आर यू ACCA क्वालिफाइड, आर यू आर स्टिल स्टूडेंट ऑफ ACCA, ठीक। तो ये कोई जो क्लोज क्वेश्चन, ये आर यू ACCA क्वालिफाइड, यस आर नो, दोनों में से एक ही बात होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है, सिचुएशन दे दी जाती है जिसको आपने सॉल्व करना होता है। ये वर्क सैम्पलिंग जैसी होती है कि आपको वर्क दे दिया जाता है, आप उसको परफॉर्म करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल की शीट दे दी और आपको कहा इसमें से फलान डाटा रिट्रीव करके हमें दे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। फिर लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर की तरफ से होते हैं जो लीड करते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आर यू श्योर यू आर हार्ड वर्कर, तो आपने यस ही कहना, आपने कब कहना है मैं आई एम नॉट हार्ड वर्कर, जो यानी कि एक स्पेसिफिक आंसर की तरफ लीड करते हैं उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन भी होते हैं। इंटरव्यू पैनल मैंने बताया, सिलेक्शन बोर्ड, इंडिविजुअल। हाँ, लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की लिमिटेशन भी होती है। नंबर एक तो इसका स्कोप बड़ा नैरो होता है, क्योंकि आप विद इन 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट इंटरव्यू में पर्सन को जज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसमें क्या एबिलिटी है। तो इसमें स्कोप जाहिर है, उस वक्त बड़ा आर्टिफिशियल सा एनवायरमेंट होता है जाहिर।
तो उसमें ये फौरी तौर पे जो है मतलब कोई लॉन्ग टर्म अगर रिलेशन हो तो उसमें तो पर्सन जज हो जाता है, लेकिन 10-15 मिनट की मीटिंग पहली नजर का प्यार किसी काम का नहीं होता, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियलिटी इंटरव्यू में वैसे भी आर्टिफिशियलिटी होती है, क्योंकि आप होता क्या है, इंटरव्यू देने जाते हैं 10 लोगों से हम पूछ के जाते हैं, किसी का कोट होता है, टाई किसी की होती है, मुंह सिर्फ अपना होता है, तो हम इंटरव्यू पे पहुंच जाते हैं, बड़ा आर्टिफिशियल सा एनवायरनमेंट होता है, एप्लीकेंट की तरफ से भी इंटरव्यूअर की तरफ से। तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जो है और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में बड़ा फर्क होता है, रियल एनवायरनमेंट और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट फर्क होता है। फिर इसमें हालो इफेक्ट का भी मसला होता है, ठीक, ये होता फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, के फर्स्ट टाइम आपको देखते जो इंटरव्यूअर अंदाजा लगा लेता है वो समझता बस यही है, जैसे फर्स्ट अपेयरेंस देखी है उसने कहा ये वेल ड्रेस पर्सन है, हाँ ये बड़ा सूटेबल रहेगा ये आ रहा हमारे लिए, अगले दिन चाहे वो बगैर ना आए आए। तो ये जो फॉलो इफेक्ट होता है ना, कि फर्स्ट अपेयरेंस का इफेक्ट होता है, जिसकी बेस पे कई मरतबा सिलेक्शन हो जाती है, ये भी इंटरव्यू का प्रॉब्लम है। और फिर कंटेंजियस बिहेवियर, कंटेंजियस बिहेवियर का मतलब ये जो मैंने कहा ना लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन इस तरह करता है कि इंटरव्यू उसके क्वेश्चन के मुताबिक उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आंसर देना शुरू कर देता है, या इंटरव्यू जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन के मुताबिक अपने आंसर चेंज करता रहता है, ये कंटेंजियस बिहेवियर होता है। फिर स्टीरियोटाइपिंग, कि एक जैसे लोग मिल जाते हैं मिसाल के तौर पे इंटरव्यू में, वो कहता जी हाँ जी मैं राजपूत हूँ, ओ मैं भी राज हूँ राजपूत हूँ, फिर राजपूत राजपूत मिल गए, फिर बात खत्म होगी वहां पर। यानी कि स्टीरियोटाइपिंग, कोई सेम फीचर की बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन कई मरतबा हो जाती है, ये इंटरव्यू का प्रॉब्लम होता है। फिर लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर भी इंटरव्यूअर से होते हैं। लॉजिकल एरर का फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू पे आपको 8 बजे बुलाया था, आप 8:15 पर पहुंचे, और मैंने हिसाब लगाया उस वक्त कि यार ये बंदा इंटरव्यू पे लेट है, इसका मतलब इसने हमेशा लेट है, हालांकि उस दिन प्रॉब्लम ये था कि पूरी ट्रैफिक जो है पूरी तरह स्टक थी, अनएक्सपेक्टेड स्टक थी, जिसकी वजह से आपको रास्ता ही नहीं मिला वाकई आप पहुंचने का, अब उसमें ट्रैफिक में बुरी तरह जो है वो स्टक रहे। तो देखिए लॉजिकल एरर्स भी होते हैं। पर सिलेक्शन टेस्ट जो है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं, अटेनमेंट और कंपिटेंसी टेस्ट भी होते हैं। प्रोफिशिएंसी एंड कंपिटेंसी इज द सेम थिंग, प्रोफिशिएंसी एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म द टास्क होता है, अटेनमेंट स्टैंडर्ड ऑफ कैपेसिटी और एबिलिटी व्हिच द प्रोसेस टू गेट द दैट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड एबिलिटी, अटेनमेंट एजुकेशन से एक्सपीरियंस, जिस प्रोसेस से आपने इतनी प्रोफिशिएंसी जो है वो हासिल की है कि करंट एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क आप में मौजूद है। तो इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अटेनमेंट टेस्ट, आपका वर्क रिलेटेड टेस्ट ये होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी मेमोरी कितनी तेज है, मतलब कौन सी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कोई सिनेरियो दे दिया, केस स्टडी दे दी, एक्चुअल प्रॉब्लम जिस पे आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करके पूरी तौर पे उसको सॉल्व करके देना है। इस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, एप्टीट्यूड देखते थे, एप्टीट्यूड होते हैं रुझान देखने के लिए, जैसे न्यूमेरिकल आपको सवाल दिया, देखा आप न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी कैसी है, फिर न्यूमेरिकल में आप कैसे है नंबर्स गेम में, तो हर पर्सन न्यूमेरिकली स्ट्रांग नहीं होता, कई लोग थ्योरेटिकली स्ट्रांग होते हैं ज्यादा। पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी का टेस्ट पर्सन रिलेटेड होते हैं, यानी कि वही कम्युनिकेशन कैसी है, कोऑर्डिनेशन क्या है, टीम वर्क कैसी है, टीम के साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट की भी जरूरत होती है। ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, अभी के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, बाकी बातें बाद में करते हैं।